नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट क्या होता है, बेसिकली वीटो का मतलब क्या है. अगर कोई लेजिस्लेचर वगैरह से बिल पास होकर आपके पास में आता है प्रेसिडेंट के पास में या फिर हेड ऑफ द स्टेट के पास में, और जब वो अपना एसेंट उस बिल के ऊपर देते हैं तो वो बिल जो है लॉ बन जाता है. अब डेमोक्रेसीज में प्रेसिडेंट्स को ये पावर दिया गया है कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि बिल जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह पूरी तरीके से जो मतलब डिफाइन उसमें किए गए हैं, अगर वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं या फिर बिल का जो है इंटेंशन बहुत सही नहीं है या फिर अगर उनको अपनी तरफ से इसमें कुछ खामी वगैरह दिखती है, तो प्रेसिडेंट के पास या फिर जो हेड ऑफ द स्टेट है उसके पास पावर है कि वो उस बिल को अपना एसेंट ना दे. तो ये जो सारी पावर्स हैं इनको कैटेगराइज किया गया है वीटो पावर ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट या फिर वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, जो भी आप बोलना चाहें. तो बेसिकली वीटो पावर चार तरीके की होती है, एक एब्सोल्यूट वीटो होता है, दूसरा क्वालिफाइड वीटो होता है, तीसरा होता है सस्पेंसिव वीटो और चौथा होता है पॉकेट वीटो. एब्सोल्यूट वीटो का मतलब यह होता है कि अगर बिल आपके पास में आया है तो उसके ऊपर आपने अपना एसेंट नहीं देना, और एक बार आपने अपना मना कर दिया, आपने मन बना लिया कि आपने अपना एसेंट नहीं देना है, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है, आपका जो पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर है वो कोई कुछ नहीं कर सकता है. दूसरा क्वालिफाइड वीटो का मतलब यह होता है कि आपने अगर अपना एसेंट देने से मना कर दिया और उसके बाद में उस बिल को फिर से अगर स्पेशल मेजोरिटी के साथ में पास किया गया और उसके बाद फिर से आपको अगर वो साइन करने के लिए आपके पास आता है और तब अगर आपको साइन करना पड़ जाए तो ये जो है क्वालिफाइड वीटो कहलाता है. तीसरा होता है सस्पेंसिव वीटो. सस्पेंसिव वीटो में भी यही है कि अगर आपने बिल पे साइन करने से मना कर दिया या रिकंसिडरेशन के लिए लौटा दिया, मगर अगर लेजिस्लेचर ने या पार्लियामेंट ने फिर से उस बिल को पास कर दिया है और स्पेशल मेजोरिटी से पास नहीं किया, ऑर्डिनरी या सिंपल मेजोरिटी से पास करके ही अगर आपको भेजा है और उसके बाद अगर आपको साइन करना पड़ रहा है, तो फिर वो कहलाता है आपका सस्पेंसिव वीटो. और चौथा होता है पॉकेट वीटो. पॉकेट वीटो का मतलब ये होता है कि आपने उसके ऊपर कोई एक्शन लेना ही नहीं है, ना आप ये बोल रहे हो कि मैं इस पर साइन करूंगा, ना आप ये बोल रहे हो कि मैं इस पर साइन नहीं करूंगा, आप कोई एक्शन ले ही नहीं रहे हो. तो इस कंडीशन में आप अगर कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हो बिल के ऊपर, तो वो बिल जो है फिर पास हो ही नहीं पाएगा. ना आप साइन कर रहे हो, ना आप ये बोल रहे हो कि मैं इस पर साइन नहीं करूंगा, कोई एक्शन आप कर ही नहीं रहे हो, तो उस केस में ये जो बिल है वो अपने आप एंड हो जाएगा, ये लॉ नहीं बन पाएगा. तो ये जो तरीके का वीटो होता है इसको कहा जाता है पॉकेट वीटो. अब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे प्रेसिडेंट साहब को जिस तरीके की पावर्स मिली हुई हैं, उसके कारण हम कह सकते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट के पास में एब्सोल्यूट वीटो है, सस्पेंसिव वीटो है और पॉकेट वीटो है. एब्सोल्यूट वीटो का मतलब क्या है कि जब आपके पास बिल आया है साइन होने के लिए, एसेट देने के लिए, आपने अपना एसेट विथहोल्ड करके रखा है, आपने अपने साइन नहीं किया तो फिर, और बिल को लौटाया भी नहीं, अपने पास रखे रखा, साइन भी नहीं किया, तो फिर ये जो है आपका बिल एंड हो जाएगा, ये लॉ नहीं बन पाएगा, ये आपका एब्सोल्यूट वीटो है. दूसरा सस्पेंसिव वीटो इस तरीके से हमारे प्रेसिडेंट के पास में है कि अगर आपने एक बिल को पास किया और उसके बाद प्रेसिडेंट के पास में भेजा और उन्होंने रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर दिया, अगर पार्लियामेंट से ये बिल फिर से सिंपल मेजोरिटी से पास होकर आ गया और उसके तो उसके बाद में प्रेसिडेंट को इसके ऊपर साइन करना पड़ेंगे, तो ये हमारा सस्पेंसिव वीटो हो गया. थर्ड है पॉकेट वीटो. अगर प्रेसिडेंट के पास में आपका बिल आता है साइन होने के लिए, वो प्रेसिडेंट ना उसके ऊपर अपना एसेंट विथहोल्ड करके रखते हैं, ना वो ये बोलते हैं कि मैं उसके ऊपर साइन करूंगा, ना वो ये कहते हैं कि मैं उसके ऊपर साइन नहीं करूंगा, वो कोई एक्शन ही नहीं लेते, ना पॉजिटिव एक्शन ना नेगेटिव एक्शन, तो उस केस में ये जो बिल है ये अपने आप एंड हो जाएगा और ये लॉ नहीं बन पाएगा. तो हमारे जो प्रेसिडेंट है उनके पास में तीन वीटो आपके पास में होते हैं, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट. ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में कौन कौन से वीटोज होते हैं, तो ऑप्शन अपना जो करेक्ट हो जाएंगे वो है एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो. और वीटो कितने तरीके के होते हैं, तो चार तरीके के होते हैं, एब्सोल्यूट, क्वालिफाइड, सस्पेंसिव एंड पॉकेट वीटो. नेक्स्ट आती है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. सबसे पहली बात तो ये कि ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है. बेसिकली पार्लियामेंट का काम होता है कि किसी भी अगर सब्जेक्ट के ऊपर बिल्स वगैरह बनाने हैं, कानून बनाना है, तो वो सारा काम पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का होता है. बट अगर अभी हम लोग फिलहाल बात करें पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट का जो काम होता है वो बिल बनाना या लॉज वगैरह बनाना होता है. सपोज कर लीजिए कि पार्लियामेंट अगर अभी सेशन में नहीं है और आपको कोई एक अर्जेंट मैटर है जिसके ऊपर आपको कोई बिल या कोई लॉ पास करवाना है, तो उस केस में पार्लियामेंट को असेंबल करके फिर उस उनकी मदद से इस बिल को पास करवाने में टाइम लग जाएगा और मैटर बड़ा अर्जेंट इंपॉर्टेंस का है. तो उस केस में अगर प्रेसिडेंट अपनी तरफ से या हेड ऑफ द स्टेट अपनी तरफ से एक ऑर्डिनेंस, एक पर्टिकुलर कह सकते हैं कि डिक्लेरेशन पास करते हैं कि भाई ये जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर ये जो डायरेक्शंस में जो दे रहा हूं, दे आर गोइंग टू बी द लॉ एंड दे आर गोइंग टू बी वेल एंड इफेक्टिव फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो ये जो चीज है ये कहलाती है ऑर्डिनेंस, कि अगर प्रेसिडेंट लॉ मेकिंग का जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है उसको बाईपास करते हुए डायरेक्ट अगर कोई लॉ अपनी तरफ से पास करता है, अपने हेड, अपने सील लगाकर या फिर अपने लेटर हेड पे अगर कोई लॉ को पास करता है, तो उसको बोला जाता है ऑर्डिनेंस. एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट को लॉ मेकिंग ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर मिला हुआ है. आर्टिकल 123 ने हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दिया हुआ है. इस आर्टिकल के अंडर में हमारे प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है या फिर पार्लियामेंट का कोई भी एक हाउस सेशन में नहीं है. और आपको कोई अर्जेंट लॉ की जरूरत या फिर कोई ऐसा अगर लेजिस्लेशन वगैरह करवाना है तो फिर उस केस में ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है. अब ऑर्डिनेंस इशू करने की जो ये पावर है प्रेसिडेंट की, इसके ऊपर कुछ कंडीशंस लगी हुई हैं. पहली कंडीशन तो ये है कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस सिर्फ उन्हीं मैटर्स पे इशू कर सकते हैं जिसके ऊपर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, यानी कि वो सारे सब्जेक्ट्स जो यूनियन लिस्ट में है या फिर जो कॉन्करेंट लिस्ट में है या फिर रेसिडरी सब्जेक्ट्स वगैरह. तो पहली कंडीशन तो ये है कि पार्लियामेंट सिर्फ उन्हीं प्रेसिडेंट जो है उन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं जिसके ऊपर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है. दूसरा, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस तभी इशू कर सकते हैं जब पार्लियामेंट के दोनों हाउस या तो सेशन में नहीं है या पार्लियामेंट का कम से कम एक हाउस सेशन में नहीं है, क्योंकि अगर आपको बिल पास कराना है तो दोनों हाउसों की जरूरत आपको पड़ती है. तो या तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस सेशन में ना हो या फिर पार्लियामेंट का कम से कम एक हाउस सेशन में ना हो, उस केस में अगर आपने कोई ऑर्डिनेंस इशू कराया है तब तो वो ठीक है. मगर अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस सेशन में है और उस केस में आपने कोई ऑर्डिनेंस इशू कर दिया तो फिर वो नल एंड वॉइड हो जाएगा. थर्ड कंडीशन यह है कि इनके ऊपर भी जो ऑर्डिनेंसेस वगैरह ये इशू कर रहे हैं इनके ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूशन की वो सारी लिमिटेशंस लगी रहती हैं जो आपकी लॉ मेकिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर लगी हुई हैं. यानी कि ये ऐसा कोई ऑर्डिनेंस पास नहीं कर सकते जिसकी मदद से कोई फंडामेंटल राइट जो है उसको चेंज किया जा सके या फिर कोई फ्रीडम्स वगैरह जो सिटीजंस ऑफ इंडिया को दी गई है उनको छीना जा सके. इस तरीके के ऑर्डिनेंसेस प्रेसिडेंट पास नहीं कर सकते. और एक चीज और कि ऑर्डिनेंसेस का इस्तेमाल करके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया जा सकता है. बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डिनेंसेस इशू करके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया जा सकता. तो ये चार पांच टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के ऊपर प्रेसिडेंट के लगी हुई है. बहुत इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर है, इसके बारे में और डिटेल में हम लोग बात करेंगे क्योंकि इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए हैं. आगे ऑर्डिनेंस मेकिंग में अगला जो टर्म एंड कंडीशन है वो ये है कि जब भी आपका ऑर्डिनेंस इशू किया गया था जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी और उसके बाद फिर जब पार्लियामेंट सेशन में आती है तो प्रेसिडेंट ने जितने भी ऑर्डिनेंसेस इशू किए हैं पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं थी उन सारे ऑर्डिनेंसेस को पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है सेशन में आने के बाद में. अगर पार्लियामेंट ने उन सारे ऑर्डिनेंसेस को अप्रूव कर दिया तो फिर वो सारे ऑर्डिनेंसेस लॉ बन जाते हैं और वो फिर परमानेंटली इफेक्ट में आ जाते हैं. अगर इन्होंने इन ऑर्डिनेंसेस को डिसअप्रूव कर दिया तो फिर ये वॉइड हो जाते हैं और उसके बाद फिर ये इफेक्टिव नहीं रहते. हालांकि अगर किसी ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट ने अगर डिसअप्रूव किया है और जिस दिन वो वॉइड डिक्लेयर हुआ है तो उस दिन के पहले उस ऑर्डिनेंस के अंडर में जितने भी काम हुए थे वो सारे वॉइड डिक्लेयर नहीं होते और वो इफेक्ट में रहते हैं. इसी के साथ में जब आप पार्लियामेंट की रीअसेंबली पर ऑर्डिनेंस रखते हैं पार्लियामेंट के सामने तो आपको वो कंडीशंस भी बताना पड़ती हैं, वो रीजंस भी बताना पड़ते हैं जिसके कारण ये नेसेसरी हो गया था, ये जरूरी हो गया था कि ऑर्डिनेंस को लाया जाए, ऑर्डिनेंस को इशू किया जाए. नेक्स्ट आता है कि ऑर्डिनेंस जो है इसको रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है. रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है अगर आप किसी चीज को बैक डेट से लागू करना चाहते हैं, एक ऐसी तारीख जो जा चुकी है अगर आप उस तारीख से किसी ऑर्डिनेंस को लागू करना अगर किसी चीज को लागू करना चाहते हैं तो वो कहलाता है रेट्रोस्पेक्टिव. तो अगर हम कई सारे लॉज वगैरह जो है उनको रेट्रोस्पेक्टिवली लागू किया जा सकता है, उसी तरीके से ऑर्डिनेंसेस वगैरह जो है इनको भी रेट्रोस्पेक्टिव लागू कराया जा सकता है. जैसे अगर आपने कोई टैक्स का लॉ लाना है, टैक्स के ऊपर कोई ऑर्डिनेंस इशू करना है तो आप ये कह सकते हो कि भाई ये जो टैक्स का ऑर्डिनेंस मैंने इशू किया है ये आज से 2 साल पहले से आपका इफेक्ट में रहेगा एंड ऑल दैट मैन. तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका रेट्रोस्पेक्टिव हो गया. तो अगर किसी चीज को हम लोग बैक डेट से लागू करते हैं उसे रेट्रोस्पेक्टिव बोला जाता है. और बाकी लॉज वगैरह की तरह ऑर्डिनेंसेस भी रेट्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं. इसके अलावा अगर कोई एक एग्जिस्टिंग लॉ है उसको अगर अमेंड करना है या फिर उसको रिपील करना है तो उसके लिए भी हम लोग ऑर्डिनेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं. मगर ध्यान रखने वाली बात यह है लॉज या एग्जिस्टिंग उनको अमेंड या रिपील करने में इस्तेमाल हो सकता है ऑर्डिनेंसेस का, मगर ऑर्डिनेंस की मदद से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया जा सकता. ये क्वेश्चन है जो पूछा गया है कि ऑर्डिनेंसेस वगैरह जो हैं वो एग्जिस्टिंग लॉज वगैरह को अमेंड या रिपील कर सकते हैं मगर ऑर्डिनेंसेस वगैरह प्रेसिडेंट के द्वारा इशूड कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते. नेक्स्ट आता है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट. कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को यह पावर दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई सजा दी गई है तो वो उसके उस सजा से उस व्यक्ति को पैर्डन कर सकते हैं, उसको क्षमादान दे सकते हैं. अब इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटीज एंड टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा काम किया था जिसके कारण कोई सेंट्रल लॉ ब्रेक होता है, आपका भारत सरकार के द्वारा बनाया गया कोई लॉ अगर ब्रेक होता है और उसके अगेंस्ट में उस लॉ को ब्रेक करने के कारण उसके ऊपर कोई केस चला और फाइनली उसको सजा हुई है, तो
इस तरीके के केसेस में प्रेसिडेंट जो है वो सजा से पैटर्न दे सकते हैं, क्षमादान कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति डिफेंस फोर्सेज में था और कोई काम करने के कारण, कोई कृत्य करने के कारण, कोई अपराध करने के कारण उसके ऊपर कोर्ट मार्शल की चला और कोर्ट मार्शल के बाद उसको मिलिट्री कोर्ट ने सजा दी है, उस केस में भी प्रेसिडेंट के पास में पावर होता है कि वो आपका उस व्यक्ति को पैटर्न कर सकते हैं जिसको कोर्ट मार्शल के द्वारा सजा दी गई है। तीसरा, अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा काम किया था जिसके कारण उसको मौत की सजा दी गई है, डेथ सेंटेंस अगर दिया गया है, तो इन तीन केसेस में प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि प्रेसिडेंट उस व्यक्ति को पैर्डन कर सकते हैं। अब पैर्डन या फिर क्षमादान जो है वो कई तरीके का होता है, उसके बारे में हमको थोड़ी सी बातचीत करनी है। पहला जो पैर्डन है उसको पहले तो हम लोग वैराइटीज की बात कर लेते हैं। पांच तरीके से आप पैर्डन की पैर्डनिंग पावर जो है प्रेसिडेंट की उसको कैटेगराइज किया गया है। पहला पैर्डन, दूसरा कम्यूटेशन, तीसरा रेमिशन, चौथा रेस्पाइट एंड पांचवा रिप्राइव। अब इनका मतलब क्या होता है? पैर्डन का मतलब यह होता है कि उस व्यक्ति को क्षमादान, ना सिर्फ क्षमादान दिया गया है मगर उसके ऊपर जो ये दोष साबित हो गया था कि भाई आपने ये काम किया है, आप साबित हो गए हैं इस चीज के दोषी और इसलिए आपको ये सजा दी जा रही है, ना सिर्फ आपको क्षमादान किया गया मगर आपको दोष मुक्त भी कर दिया गया है, आपको आपका जो कन्विक्शन था उससे भी फ्री कर दिया गया है, यानी कि ये जो चीज मानी गई थी कि आपने काम किया है, आपने काम किया है इसके आप दोषी हैं, आपको इस दोष से मुक्त कर दिया गया, प्लस उस दोष के लिए जो सजा दी गई थी वो भी आपकी माफ कर दी गई है। तो ये चीज जो है वो कहलाती है आपका पैर्डन। दूसरा होता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब होता है कि आपकी सजा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। जैसे किसी व्यक्ति को मौत की सजा दी गई है, उस मौत की सजा को अगर कन्वर्ट करके उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया गया तो इसको कहा जाता है कम्यूटेशन या फिर कम्यूट कर देना सेंटेंस को। तीसरा होता है रेमिशन। रेमिशन का मतलब होता है कि आपने सजा का जो है टर्म कम कर दिया है मगर सजा का जो नेचर है वो कम नहीं किया। कम्यूटेशन में आपने सजा का नेचर चेंज कर दिया था, मौत की सजा है तो आपने उसको उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर आपको 20 साल का उम्र कैद दिया गया था तो आपने उसको कन्वर्ट करके 10 साल का कर दिया, एंड इस तरीके से। साश्रम, अगर आपको उम्र कैद दिया गया था कि आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी साथ में, तो उसको आपने आश्रम कर दिया, यानी कि अब आपको उतना ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से अगर आपने नेचर चेंज किया है सजा का वो कहलाता है कम्यूटेशन। रेमिशन में ऐसा नहीं होता। रेमिशन में आप सजा का नेचर चेंज नहीं करते हो, आप सजा का टर्म कम कर देते हो। जैसे किसी व्यक्ति को 20 साल की सजा हुई थी तो 20 साल की सजा को घटा के 10 साल का कर दिया मगर सजा का जो नेचर है उसको नहीं बदला है। जैसे यहां पर सजा का नेचर मौत से आपने उम्र कैद कर दिया, उम्र कैद से आपने 15 साल 10 साल की कर दी, ये सजा का नेचर चेंज करना है, मगर यहां पर आपने सजा का नेचर चेंज नहीं किया है, आपने सिर्फ उसका टर्म कम कर दिया है। अगला आता है रिस्पाइट। रिस्पाइट का मतलब है कि आपने सजा का जो है कैरेक्टर या फिर नेचर चेंज किया मगर उसके पीछे कोई एक स्पेशल टर्म एंड कंडीशन थी। कम्यूटेशन में आपको टर्म एंड कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है सजा का अगर आप नेचर चेंज कर रहे हो, मगर रिस्पाइट अगर आपने दिया है तो उसमें कोई स्पेशल रीजन है जिसके कारण आपने सजा का कैरेक्टर चेंज किया है। जैसे अगर कोई लेडी है वो प्रेग्नेंट है तो फिर उसके केस में जो उसको सजा दी गई है उसका नेचर आपने चेंज कर दिया, या फिर किसी अगर कन्विक्ट की बहुत ज्यादा उम्र हो गई है तो उसकी सजा का जो है नेचर आपने चेंज कर दिया। इस तरीके से अगर किसी को थोड़ा बहुत अगर फेवर किया जाता है उसकी सजा में तो इसको रिस्पाइट कहा जाता है। और अगला होता है रिप्राइव का मतलब होता है कि अगर कोई सजा है हुई है किसी व्यक्ति को और उस सजा को अभी एग्जीक्यूट किया जाने वाला है, यानी कि जैसे आज सजा हुई और लेट से कल या परसों उसको एग्जीक्यूट किया जाना है, मगर इस व्यक्ति ने अगर रिप्राइव के लिए लगाया तो इस अभी जो इसकी 2 या 3 दिन बाद सजा होनी थी उसको स्टे कर दिया जाएगा, उसके ऊपर कुछ वक्त तक के लिए स्थायी तौर पर स्टे लगा दिया जाएगा। ये इसलिए दिया जाता है ताकि बहुत जल्दी किसी अगर सजा को एग्जीक्यूट किया जा रहा है तो उसको रोका जा सके, ताकि इस व्यक्ति को जो स्टे मिल गया है रिप्राइव में अब उस टाइम पीरियड में वो पैर्डन के लिए एप्लीकेशन लगा सके। तो ये जो चीज की जाती है इसको रिप्राइव बोला जाता है। तो प्रेसिडेंट के पास में पैर्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन, रिस्पाइट और रिप्राइव, ये पांचों चीजें देने की पावर होती है। और जो भी फिर उनको ठीक लगता है अपनी पैर्डनिंग पावर का इस्तेमाल कर वो पांचों में से कोई भी एक काम इन तीन में से किसी भी एक केस के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज आती है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। बेसिकली जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो सेरिमोनियल पोस्ट है, वो एक टाइटुलर पोस्ट है, और इनका जो और जो एक्चुअल पावर रहती है वो सारी की सारी प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। इन थ्योरी अगर आप बात करें तो सारी पावर जो है वो प्रेसिडेंट में निहित है, यानी कि वो सारी पावर प्रेसिडेंट को दी गई है, मगर उसके यूज की या फिर उसका जो इम्प्लीमेंटेशन करना है, उस पावर का जो भी इस्तेमाल होना है, वो सब किया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, जिसको हेड करते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। और वो सारा जो भी पावर का इस्तेमाल होता है ऑफ द प्रेसिडेंट वो किया जाता है ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। वो ये बोलते हैं कि भाई ये जो भी काम
हम लोग कर रहे हैं प्रेसिडेंट को जो पावर्स दी गई हैं उनका इस्तेमाल करके, वो कर रहे हैं ऑन द विल एंड एडवाइस ऑन द विल ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की इच्छा के अनुसार हम लोग इन पावर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है बेसिकली एक सेरिमोनियल पोस्ट है, एक टाइटुलर पोस्ट है, एंड जो रियल पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी जो पोजीशन है इसको बड़े अच्छे से समझाया गया है कि ये स्टेट के हेड होते हैं, ये स्टेट के तो हेड होते हैं मगर गवर्नमेंट के हेड नहीं होते हैं, गवर्नमेंट के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और ये स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं मगर स्टेट को रूल नहीं करते, इनके नाम पे स्टेट को रूल किया जाता है बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। सो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट कि भाई ये स्टेट के हेड है मगर गवर्नमेंट के हेड नहीं है, ये स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं मगर स्टेट को रूल नहीं करते, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट।